एक गरीब के जान का कीमत मात्र 2000 रुपया। आपको इस तरह का खबर हम पहले भी दिखाए हैं, लेकिन फिर से आज हम सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं। और ये देखिए ऋषिदेव टोला है, एक बार दिखाइएगा जरा। ये लोग कमाने खाने वाले आदमी है, रोज के डेली के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो 100-200 रुपया मिलता है और फिर वो खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खबर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से दबंग आदमी, पूंजीपति आदमी के द्वारा इस गरीब के जान का कीमत मात्र 2000 रुपया लगाता है। तमाम जानकारी हम देंगे आपको। बता दें कि ये देखिए, ये लड़का जो है, इसका पिताजी इस दुनिया में नहीं है। इसका पिताजी रोज ठेला चलाया करते थे, इसी पिपरा मार्केट में जो है वो ठेला चलाकर 100-200 रुपया कमाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन इस पूरे परिवार को चलाने वाले मात्र एक व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। 3-4 ऐसे दरिंदे उनको बेरहमी तरीके से जो है खत्म कर दिया, ऐसा आरोप ये तमाम परिवार लगा रहे हैं, परिजन लगा रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है वो जांच का विषय है, प्रशासन को जांच करना चाहिए। आइए क्या सच्चाई है आपको हम जानकारी देते हैं। की नाम भले आपके? सुलेखा देवी। अच्छा, ये घटना कहिया भले? परसुए भले, बुध के। वहां के पति के नाम की छे? गंगा सदा। अच्छा, की करे रहे पति? हमें ठेला चलावे के। की भले ओ दिन, केना पता चलले यहां के? पता की चलले, मार के रोड साइड में कदा देलके, का एक्सरसाइज वाला का खबर ओ क्या देलके, एक्सरसाइज वाला। हां, से का 112 खत्म कल के, किए खत्म कल के, की कारण रहे? 2000 पैसा खातिर दल के बकवास भले दोनों में। पैसा कौन चीज के पैसा रहे, कथी के पैसा? पंजाब जाय के पैसा रहे, से पंजाब दल के है त जेबे त न ओथे सधा देबे। अच्छा, जेतिए तबे न सधेतिए। केकरो से मतलब लेने रहे पैसा? हां ठीक है, तो ओकरे से पैसा। हां, त वही खातिर 9 बजे सात के रोड पर का फेंक दल के। अच्छा, ओए रोज की भेले, जहिया आहा सब के पता चलले घटना के, ओए दिन की कते गेल रहे? ओ कतौ न गेल रहे, वही गांग कमाल के भर दिना ओत चल गेले। जब ओ जब पैसा दल के उदारवो बेचे छे। अच्छा, दारवो बेचे छे, पियाइयो खिया दल के, आ ठेला के रख लल के, ठेला मांगा जाय जाय बेर ता बेर के, हमरा ठेला दे हम घर जेबे। अच्छा, ठेला दे हम घर जेबे, ओ दबे न करे, वही पपुष्टान मार मार के ये खाए वाला तक गाड़ी गायर करी ढेबे करते हाथा बाही में। अच्छा, वही तो बेराम के घर में कते मिलले ओकर हालात में? सब मिलले, मिलले रोड के साइड में, त्रिवेणी गज के रोड में आगा। कते कौन जगह के नाम बता? गैस एजेंसी के आगे में एक रति गैस एजेंसी। मतलब पिपरा बाजार से थोड़ा सा ही, जब तक बाजार खत्म है छे, गैस एजेंसी के सामने पोखर जे छे। हां, वैसे रति गाड़ी पोखर से। हां हां, आगा में मार के घंटा दलके। अच्छा, आ उ तुरंत 112 वाला करके एक्सीडेंट आदमी भए गेले, या कोई उठबे वाला नहीं छे। अच्छा, तो गेले उठा के ओकरा दैले हॉस्पिटल में भर्ती कए दलके, क्या का वो घर वो चल गए थाना। मतलब अहाँ सबके की लागे है कि वह 2000 रुपया के चलते ओकरा खत्म कर? हाँ, खत्म कर दल के वह आदमी करबे के लिए नहीं मारते, ओकरा साथ दौड़ दौड़ ठेले मांगे जाए रे, ठेला ओकर छीन कर रख लल के, वही लकल के हमरा दे दे हम घर जाए छे। कते के वो आदमी रहे? बगले का आदमी छे, गमहरपुर, गमहरपुर का आदमी। देख सकते हैं, इसीलिए पहले ही मैंने बताया आपको कि एक गरीब के जान का कीमत मात्र 2000 रुपया। भैया आप लोग आजकल जानते हैं कि ये गरीब लोग थोड़ा पूंजीपति लोगों से 2-4 हजार रुपया पहले ही लेकर उसके अंदर में जाकर काम करते हैं, बाहर में दिल्ली पंजाब हरियाणा में खटते हैं। कहीं ना कहीं वही के चलते मात्र 2000 रुपया इसका पिताजी किसी आदमी से, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर आगे गमहरपुर है, बताया जा रहा है कि वही का कोई आदमी है, उससे 2000 रुपया लिया था और वही रुपया इससे बार बार मांगा जा रहा था, लेकिन उसके बदले इसका ठेला भी वो ज़बरदस्ती घेर कर रखा हुआ था। और जब वो ठेला मांगने के लिए गया तो उसको बेरहमी तरीके से खत्म करके जो है रोड के किनारे फेंक दिया गया। ये उसका लड़का है, देख सकते हैं, ये उतरी पर है, ये अपने पिताजी को मुखाग्नि दिए हैं और अब इसके ऊपर से पिताजी का साया उठ चुका है। क्या नाम है आपका? शिवा कुमार। अच्छा शिवा, ये घटना कौन दिन का है? परसों का, बुध का। परसों का। अच्छा, कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइए, आपको क्या जानकारी है? हमको जानकारी कुछ भी नहीं था। उस रोज आपका पिताजी कहाँ गए थे? ठेला चलाने के लिए मार्केट। ठेला चलाने के लिए? हाँ।
अच्छा, तो ये बात सही है कि 2000 रुपया किसी से लिया है? हाँ, 2000 लिया था। वही आदमी उसको खत्म किया? तीन आदमी मिलकर मारा। तीन आदमी मिलकर? हाँ। अच्छा, आप लोग को कब पता चला? जो हमको 7:30 बजे पता चला, उसी रोज शाम में। हाँ, उसी रोज शाम में। फिर आप लोग गए थे वहाँ तो क्या देखे? वहाँ पे हमारा मम्मी लोग गई थी। अच्छा। हम गए थे पापा के लाने हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कैसे पता चला? हमको वहाँ से मुखिया जी को बेटा के फोन आया। मुखिया जी को बेटा हम लोग को बोला तो पापा हॉस्पिटल में जो लैब ले। अच्छा। तो हॉस्पिटल से हम लोग गए थे लाने के लिए, सिटी रिक्शा भरा करके। हॉस्पिटल जो गए तो किस हालात में था? हॉस्पिटल गए थे तो पूरा मुझे वहीं पे ख़त्म था, खाली लंबा सांस चल रहा था। अच्छा, मतलब कुछ खाया पिया हुआ था क्या? हाँ, पिया हुआ था। वही बेचता है दारू जहाँ पे वो गए थे। जी, ठेला भी रख लिया? हाँ, जो ठेला रखा था वही दारू बनाता है, वही दारू बेचता है। अच्छा, हॉस्पिटल जब गए तो क्या उसका इलाज उलाज हुआ था? इलाज नहीं हुआ था, खाली मलहम लगा दिया था। डॉक्टर बोला कि अभी इसका नशा में, इसका इसको सुइया नहीं देंगे अभी, जब इसका नशा टूटेगा ना, होश आएगा तो फिर लेके आना रात में। इसको रात भर होश ही ना आया सुबह तक, तो फिर सुबह 6 बजे ले गए हॉस्पिटल। अच्छा। तो हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर बोला कि इसका सर में बहुत चोट है, इसको मधेपुरा ले जाओ। तो वहाँ से मधेपुरा भेजा डॉक्टर। फिर सुबह में बोला मधेपुरा ले जाओ। हाँ। रात में उस टाइम में वो कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ क्या नहीं। बोला घर ले जाओ, घर ले जाओ। देख सकते हैं भैया, कहते हैं बिहार विकसित हो गया, बिहार जो है ना बहुत आगे चला गया। यहाँ पे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जब कोई अर्धमृत व्यक्ति जाता है तो उसको कहता है घर ले जाओ। ये कौन सा बात हुआ भैया? आपसे इलाज नहीं हो पा रहा है तो आप सीधा रेफर कर दीजिए ना। रेफर नहीं किया था क्या? नहीं, सुबह में किया रेफर, रात में नहीं। नहीं, क्या बोला घर ले जाओ, घर ले जाओ। अब बताइए, ये एक जो है ना एक हंसने वाली बात है कि डॉक्टर कोई भला कहेगा कि कोई आदमी का जो है खत्म होने की अवस्था में है, सिर्फ सांस चल रहा है, और उसको कहता है कि घर ले जाओ, सुबह में लेके आना। घर तो लेके आए, रात भर क्या सांस चलता? हाँ, सांसें चल रहा था खाली। फिर सुबह ले गए तब बोला ले जाओ मधेपुरा। मधेपुरा फिर क्या हुआ? फिर मधेपुरा वहाँ से पटना रिफर कर दिया। उसका सांस कहाँ खत्म हो गया? वही मधेपुरे में। मधेपुरे में देख सकते हैं भैया कितना जर्जर व्यवस्था है हमारे बिहार में अभी भी हॉस्पिटल का, और कितनी जवाबदेही है डॉक्टर का। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, न तो रेफर किया, न इलाज किया, और कहा इसको घर ले जाओ। ये कौन सा मतलब है भैया, घर ले जाओ? आइए, और भी कुछ इनके परिवार के लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानते हैं। के भलिए हैं? अगर बहन भली जे खत्म भले ओकर बहन। अच्छा, की न्याय चाहे छे पुलिस प्रशासन से? कि जना हमरा भाई मारल के नौकरो मारबे। अच्छा, ई बात सही रहे जे 2000 रुपया के चलते जम कए देल? हां, त लोगो ओ टोल के पूरा लोग देखलक जे एकरा ले गेले बोला के चौक पर काम करे रे। अच्छा। कहलक चला ना तोरा पियवा खियो जाय छे पंजाब, तोरा ओ दिन जेबे परसु कल जेबे। अच्छा। तो वहे खातिर ले गेले खूब मारल। तब नै मारती त भागले किया, घर छोड़ देल के से परिवार। देख सकते हैं इस गरीब को देखने वाला कोई नहीं है, और इसका क्या होगा, क्या न्याय मिलेगा इसको, और अपराधी को क्या सजा मिलेगा, वो आप भी समझ रहे होंगे भैया, और हम भी समझ रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ऐसे अपराधी को क्या सजा मिलना चाहिए और ऐसे गरीब को क्या न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, थाना उना में आवेदन दिए हैं? दिए। केस उस नहीं हुआ है? केस नहीं हुआ। आपको कोई आवेदन लिख लेकर सर ने लड़की तो अपना से जला मीडिया वाला से ले तो अपना से दल का आवेदन लिख के बता। कल क्या हुआ था? कल नहीं लड़के आवेदन, आवेदन नहीं लिया है थाना, कहे गलत है आवेदन। अच्छा, आज फिर लिया है? हां, आ लड़के रिसीविंग वगैरह नहीं दिया कुछ? पर्ची दल का नहीं दल, कुछ नहीं दिया। पर्ची उर्ची नहीं मिला? नहीं, बोला फिर कल आने के लिए। सबसे पहले तो थाना में जाइएगा और जो थाना अध्यक्ष महोदय है उनको बोलिएगा कि सर हमारा FIR करवा के और हमको रिसीविंग दे दीजिए। देखिए, इस तरह से ये है, जो है सब सामने है, आप समझ ही रहे हैं किस तरह से गोल गोल घुमाया जाता है गरीबों को सिर्फ।
पैसे वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पैसे वाले जो करेगा तुरंत होगा, केस करेगा एक घंटा के अंदर होगा, कोई अपराधी को सजा दिलाएगा एक घंटा के अंदर होगा, लेकिन इस गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। चलिए बाकी इस तरह की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन गरीब लोगों को जो है न्याय मिल सके। बाकी आप लगातार खबरों के लिए बने रहिए DNY न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। We'll be right back.